तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं ओमकार पीएम। तो आज के इस एपिसोड में हमारा पांचवा एपिसोड होगा पोकेमॉन फायर रेड का। और आज के एपिसोड में हम लोग ये माउंट मून में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर जो पोकेमॉन ब्लैक टू की सीरीज़ चल रही थी वो किसी कारण की वजह से अभी नहीं होगी, क्योंकि वो कारण है कि वो जो मेरी सेव फाइल थी वो अभी मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके लिए हम लोग चैनल पे पोकेमॉन फायर रेड अभी कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ अगर जो सेकंड गेम होगा उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, जिसका ऊपर आपको वीडियो में अभी पोल भी आ जाएगा। पहला तो होगा पोकेमॉन हार्ड गोल्ड या फिर पोकेमॉन ग्लेस। तो आपको वोट करके बताना है कि कौन सी दूसरी सीरीज़ हमें आपको इस वीडियो पर चाहिए। एक तो वो पोकेमॉन ग्लेस हो सकती है या फिर पोकेमॉन हार्ड गोल्ड, और कोई एक्स्ट्रा गेम मैं खेलने नहीं वाला, पहले ही बता दूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके स्पैम मत करना कि भाई ये गेम खेलो, वो खेलेंगे आपके सारे के गेम खेलेंगे हम लोग, बट बाद में खेलेंगे। तो यहाँ पे एक वाइल्ड पोकेमॉन आ चुका है जो कि ये लेवल 7 का जूबैट, बस हमारे पास लेवल 17 का वॉटर टर्टल है। एक बार हम लोग हमारे फिर से टीम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से पोकेमॉन है। लेवल 17 का वॉटर टर्टल, लेवल 13 का पीजी, लेवल 6 का पिकाचू और रैटेटा लेवल 7 का। तो हमने पिकाचू और इसको ट्रेन नहीं किया है, बट वो कर लेंगे। हमें यहाँ पे एक TM मिल गया, TM9 जो कि है बुलेट सीड। तो यहाँ पे आगे एक बक टाइप ट्रेनर है, तो हम लोग हमारे पीजी को आगे बुला लेते हैं। शायद से इसके पास कैटरपी या फिर विडल होगा, क्योंकि बक टाइप पोकेमॉन के पास वो सारे कॉमन है। बट लेकिन हाँ गाइज, वोट करना भूलना मत, क्योंकि आपके वोट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग चैनल पे कौन सी सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ब्लैक टू तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गया, क्योंकि उसकी जो सेव फाइल है वो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे एक गस्ट अटैक में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ओके ककूना आ रहा है। तो अभी हम लोग इसे हराएंगे तो हमें अच्छे से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। हार्डन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गस्ट एक स्पेशल अटैक है, तो वो उतना ही डैमेज देगा जितना पहले दे रहा था। तो गाइज़, आपका सपोर्ट एक नंबर आ रहा है मेरे को इस चैनल पे, तो वही सपोर्ट बनाते रहिए। और हम लोग टाइम टू टाइम नए नए गेम भी स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग फायर रेड कम्प्लीट करेंगे, फिर सेकेंड गेम में जो आपको बोला था आपको वोट करके बताना है कि एक तो हार्ड गोल्ड खेले या फिर वही पोकेमॉन ग्लेस। जो भी एक GBA हैक रोम है उसमें भी काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे रोम हैं, वो काफ़ी अच्छा गेम और बड़ा गेम है, तो वो भी खेल सकते हैं हम लोग चैनल पे सेकेंड सीरीज़ के स्टार्ट में। और वही या फिर हार्ड गोल्ड या फिर पोकेमॉन ग्लेस। तो यहाँ पे आई थिंक एक सामने ट्रेनर है, तो मैं हम लोग यहाँ पे वॉटर टर्टल को आगे करेंगे, क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा है, तो क्या पता है इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। बट ठीक है, वॉट आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू फाइंड हियर हियर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसके बस एक ही पोकेमॉन है और वो है क्लिफेरी। ठीक है, अगर हमें भी एक मिली तो हम लोग ये कर, पहले हम लोग हमारा थोड़ा सा डिफेंस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके पास पाउंड अटैक रहता है। ठीक है, ये डिफेंस हमने बढ़ाया तो हमारा अटैक लो कर दी, तो हम इसकी भी पहले टेल विप से वो कर देंगे। मेरा अभी थोड़ा गला ख़राब है, उसके लिए आप लो भाई सुला दिया अपने को। अभी हम लोग क्या करें, वेट करते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी उठ चुके हैं, टैकल अटैक एनकोर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग अभी टैकल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दो 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 ती एक और। लो भाई गरीबी में आटा गीला, इसको क्यूट चाम ने हमें हफले अभी सुला भी दिया, मतलब क्या करेगा इस यार। एक तो अभी हम लोग इससे इम्बोलिस भी हो जाएंगे, फिर सो भी रहे, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ गाइस। चलो एक बात तो अच्छी है कि हमने जल्दी उठ लिया और टैकल यूज़ कर लिया, और मतलब अपना वॉटर टल है यार, ऐसा कोई अल्लल्ला पुल्ला थोड़ी है। तो देखते, और यहाँ पे जू बैठी होगा। ओके, एक जियोडूड, तो हम लोग इसे पकड़ेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि जियोडूड को पकड़ लेना, काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है और आगे काम आ सकता है। तो हम लोग इसे टैकल देंगे और उसे पकड़ लेंगे, इसको भी इवॉल्व करेंगे। ठीक है, टैकल मिस हो रहा है हमारा, बट इसे हम लोग पकड़ के रहेंगे आज के एपिसोड में। देखते हैं, हमारे पास एक मिनट, देखते हैं पहले इसकी थोड़ी सी हेल्थ कम कर लेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक फेंक के ट्राई करेंगे, अगर ये पकड़ में आया तो ठीक है, क्योंकि जियोडूड काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। और उसका जो ग्रैवलर और इस पोके इस गेम में आई थिंक वो ग्रैवलर तो नहीं बनेगा ना, सॉरी कौन था, गोलेम तो नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए तो ट्रेड, बट ग्रैवलर भी ठीक ठाक पोकेमॉन है। तो हमने एक नया पोकेमॉन पकड़ लिया जिसका नाम है जियोडूड। तो चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी है, चलो नीचे जाते हैं सीढ़ी से, माउंट मून। और क्या है यहाँ पे, हम लोग भागते हैं थोड़ा। ठीक है, एक पैरस, बट अभी हमारा कोई ये इरादा नहीं है।
टीम रॉकेट यहाँ पे क्या कर रही है, वी टीम रॉकेट आर पोकेमोन गैंगस्टर्स, वी स्ट्राइक फियर विद आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखते हैं कितने, तीन पोकेमोन है इस बंदे के पास, एक सेंड शुरू है, अच्छी बात है हमारे पास वाटर टाइप आगे रखा है तो वाटर गन बहुत होगी इसके लिए, जो कि मैं सही था। तो एक जूबैट तो होगा ही इनके पास, क्योंकि टीम रॉकेट के पास जूबैट तो होती ही है। तो हमारे यहाँ पे रटटाओ के हम इसको ही आगे रखेंगे, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग हम लोग ऑफ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वही पहले तो हम लोग इसको देखते हैं टैकल से क्या होता है। एक टैकल में ही चला गया क्योंकि क्रिटिकल हिट लगा था, तो ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। एक जूबैट गाइज, मैंने जैसे कि बोला था टीम रॉकेट के पास जूबैट ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग जूबैट पकड़ते ही है। ठीक है, एक एचपी पे रह गया है हमारा पोकेमोन और हम लोग कन्फ्यूज़ भी हो गए। देखते हैं हम लोग वाटर टाइप पे भरोसा रख सकते हैं, बट वो खुद को ही हट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। चलो एक अच्छी बात है कि हमारा जल्दी से उड़ भी जाता है और कन्फ्यूजन से भी बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो हमने यहाँ पे टीम रॉकेट को हरा दिया है, तो आगे देखते। ओके, यहाँ पे एक पोकेबॉल है, एक और जियोडूड लेवल 9 का, बट नहीं चाहिए हमने, हमारे पास एक है लेवल 7 का ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें स्टार पीस मिल चुकी है, यहाँ पे कितने वाइल्ड पोकेमोन है, हमें रिपेल खरीद लेने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी खरीद, अभी क्या करें, फिर से एक वाइल्ड पोकेमोन। ठीक है, लेवल 10 का जूबैट, बट मेरे को जूबैट पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा पोकेमोन है अगर देखा जाए तो, जूबैट, फिर गोल बैट, और फिर उसके बाद वो जो है ना उसका नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है, क्या नाम है उसका, जूबैट गोल बैट क्रोबैट, हाँ वो काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे अंकल क्या कर रहे हैं, इनके पास कौन सा पोकेमोन हो सकता है। लेट मी गेस, अगर अंकल के पास कोई फाइटिंग पोकेमोन हो सकता है, देखते हैं। हाई, आई एम एक्सकेवेटिंग फॉर फॉसिल्स हियर अंडर माउंट मून, समटाइम्स ब्रॉक ऑफ प्यूटर जिम लेंड्स मी अ हैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे खुदाई करने, यहाँ पे एक पोकेबॉल है और पोकेबॉल के सामने ही एक वाइल्ड पोकेमोन चूँकि एक जूबैट, तो फटाक से हम लोग इसको रन करेंगे। गाइस मुझे इस केव के बाहर निकलते हैं, मेरे को पहले तो बहुत सारी रिपेल्स खरीदने हैं। देखो देखो, एक सेकेंड नहीं हो रहा कि पोकेमॉन्स आए जा रहे, पोकेमॉन आए जा रहे। ठीक है, फिर भी एक और पोकेबॉल, यहाँ पे तो पोकेबॉल एक रेयर कैंडी मिली। ठीक है गाइस, एक बग टाइप, क्योंकि हम लोग पोकेमॉन फाइट अवॉइड कर सकते हैं बट हम लोग अवॉइड करेंगे नहीं, क्योंकि क्या पता आगे के जिम में स्ट्रांग पोकेमॉन्स हो सकते हैं ना। यार मैं वाइल्ड पोकेमॉन से नहीं लड़ने वाला। चलो बग टाइप पोकेमॉन देखते हैं तेरे पास क्या है, कैटरपी या फिर वीडल या फिर और कुछ कुछ हो ही सकते हैं, तो देखते हैं। गस्ट और ख़त्म, वन शॉट किल है भाई अपने पास। हमारी पीजी को भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक मेटापॉड आ रहा है। ठीक है, मेटापॉड, तो इसके लिए मेरे को शायद से लगता है 2 गस्ट काफ़ी रहेंगे। हाँ, जो कि मैं बोला था सही हूँ मैं, तो 1 HP पे रहेगा रहेगा ये प्लीज़। तो यहाँ पे ये मेटापॉड भी चला गया। तो गाइज वोट करके बताना जरूर कि हम लोग कौन सा गेम खेले, कौन सा आ रहा है, मैंने देखा नहीं पोकेमॉन। कैटरपी, ठीक है, तो एक और गस्ट। लो भाई हमारा पोकेमॉन अभी लेवल 15 का हो जाएगा शायद से, देखते हैं। यहाँ पे हमारा पीजी लेवल 15 का हो चुका है, तो हमें बाहर निकलना है। छोड़ो, मैं यहाँ पे फाइट अभी अवॉइड ही करूँगा क्योंकि लेवल 15 का पीजी तो हो चुका है ना हमारे पास, तो हमें यहाँ पे रास्ता कहाँ से, ऊपर ऊपर एक लड़की भाग रही है, बट हम क्या करें, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसे अवॉइड करेंगे, देखते हैं अगर अवॉइड कर सके तो। हाँ कर रही है, कर ली है, कर ली है। यहाँ पे एक और नीचे वो है, पर नहीं जाते ना, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये सीधा सीधा रास्ता है यहाँ पे, देखते इसको अगर अवॉइड कर पाए। कर लिए हम लोग अवॉइड, एक नंबर। और आगे एक अंकल है जो कि मेरे को रॉक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा है, उन्हें देख के तो वही लग रहा है क्योंकि वैसे वाले लोग के पास रॉक टाइप ही पोकेमॉन होते हैं। और यहाँ पे कुछ तो है, मून स्टोन। ठीक है, मून स्टोन तो मिल चुका है, बट हमारे पास निडोरन चाहिए था ना, निडोरन तो मिला नहीं हमें, बट कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे आगे ना कभी तो होगा ही, नसीब में होता है तो मिल ही जाता है। यार ये पारस सिर्फ टनल में क्यों मिल रहे हैं हमें, पैरस पैरासेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नई जगह पे आ चुके हैं, ऊपर एक और पोकेबॉल है, यहाँ पे मिला रिवाइव, रिवाइव जो भी बोल सकते हैं आप लोग।
यार कितने, मेरे को रिपेल खरीदने ही पड़ेंगे नेक्स्ट। सॉरी गाइस, यहाँ पे ऊपर एक टीम रॉकेट का ट्रेनर है, यहाँ पे भी एक है। चलो देखते हैं हम लोग इसे अवॉइड कर पाते हैं क्या। हमने कर दिया, बट टीम रॉकेट को तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो लोग नहीं आ पा रहे ना। ठीक है देखते हैं, यहाँ पे तो सीधा रास्ता है, बट वाइल्ड पोकेमोन्स नहीं छोड़ेंगे हमें गाइज। देखते हैं फिर भी, हो गया हो भाई, मारो मुझे मारो, क्या करूँ यार, हो ही नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, ये कितना लंबा रास्ता है। एक पैरस, यहाँ पे भी एक टीम रॉकेट का मेंबर है। चलो इसे फाइट करनी पड़ेंगे, इसे अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके पास जूबैट होगा, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हमारे पास तो यहाँ पे रैटाटा है, ठीक है। हमारे पास पीजी है, पीजी का टैकल देखते कितना करेगा। आधी हेल्थ खा गया। हाइपर फैंक, ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी अच्छा अटैक था। क्विक अटैक भी काफ़ी अच्छा अटैक, बट पीजी के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि गाइस पीजी तो पीजी होता है ना। जूबैट आ रहा है, ठीक है, उसको भी टैकल, दो टैकल और फिर वो भी शायद से ख़त्म। लेवल नहीं यार, मतलब देखा जाए तो रैटाटा से अच्छा है जूबैट, देखा जाए तो। इसको गस्ट दे दे, देखते गस्ट में क्या होता है। इसको गस्ट में काफ़ी अच्छा, अच्छा हुआ कि सुपर सोनिक अटैक मिस हो गया, नहीं तो हम लोग फिर से कन्फ्यूज हो जाते और ख़ुद को ही मारते थे। तो ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट हम लोग थोड़ा, हमारे पास देखते कुछ पोशन विशन है क्या। हमारे पोशन नहीं है हमारे पास, हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं है। आगे एक साइंटिस्ट है, हे स्टॉप, आई फाउंड दिस फॉसिल्स, दे आर बोथ माइन। तो आगे फॉसिल्स है, ठीक है। इसके पास भी 3 पोकेमोन है। म्यूगल नाम है इस बंदे का, ग्रामर लेवल 12 का। तो देखते हैं गस्ट अटैक कुछ करेगा क्या इसको। ठीक है थोड़ी हेल्थ तो खा ली, शायद से हम लोग इसे हरा दे, शायद से। हार्डन, ठीक है, हार्डन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गस्ट तो एक स्पेशल अटैक है, तो हम लोग इसे हरा देंगे यहाँ पे। वो भी क्रिटिकल हिट लगी और हमारा पीजी लेवल 16 का हो चुका है। एक वोल्ट्रॉप है, कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन, तो हम लोग इलेक्ट्रिक टाइप के सामने जियोडूड लाते हैं, बट उसकी हेल्थ थोड़ी कम है। देखते हैं कुछ कर पाया तो ठीक है। जियोडूड, जियोडूड के पास अभी कुछ अटैक्स है मैंने देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। इसको बहुत ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, टैकल ही है इसके पास। ठीक है देखते हैं, चार्ज, ये मरने वाला है गाइस, मेरे को पता है। इसके साथ भी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मेरे को। आई थिंक जियोडोट को ट्रेन करने के लिए हमें पुराने माउंट मून के वो पहले वाले साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे घास में कम लेवल के पोकेमोन थे ना गाइस। ये चार्ज क्यों करे जा रहे हैं हमें, मार्क 1-2 ही HP है भाई, मार दे। ये लो भाई फिर से चार्ज। तो गाइज हमारा जो वाटर टल है कुछ नया अटैक सीख रहा है जिसका नाम है बाइट। हम लोग उसे ज़रूर सिखाएंगे। हम लोग आई थिंक उसका विद्रॉ अटैक हटा देते हैं, क्योंकि डिफेंस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारा डिफेंस ऑलरेडी अच्छा है। तो ठीक है, तो हमने इस नर्ड को हरा दिया है। वी विल ईच टेक फॉसिल, नो बींग अ ग्रीडी, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू टेक हिलिक्स फॉलिक्स, और यहाँ पे डू यू वॉन्ट डोम फॉलिस, तो कौन सा ले, हिलिक्स या फिर डोम। तो आई थिंक देखा जाए तो हम लोग हेलिक्स लेते हैं, पता नहीं इससे क्या होता है, बट हेलिक्स ले लिया, तो इसने डोम ले लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। यार ये वाइल्ड पोकेमोन्स, मेरे को कुछ भी करके इस केव के बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी। एक और पोकेबॉल, एंटीडोट मिला, ठीक है, बट हमें पॉइजन एक और शायद से। अभी हम लोग बाहर निकल पाएंगे, और हम लोग निकल पा चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था, आई होप आपने एंजॉय कर लिया, और वोट करके जल्दी बताना हम लोग कौन सा दूसरा गेम हमारे चैनल पे खेले। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आप सुनूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।